चलिए आज दिखाते हैं शादियों में किस तरीके से चने की दाल को बनाया जाता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में, और इसे पूरा प्रक्रिया आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पतीलों को, एक सब्जी बन चुका था, उसके बाद दोबारा इसमें बनाया गया है। तो पतीले में सबसे पहले तेल डाल दिया गया था, डाल दिया गया था इसमें काली मिर्च, इलायची और तेज़पत्ता, जीरा 50 ग्राम, और जैसे ही वो फ्राई हुआ तो उसके बाद डाल दिया गया है इसमें प्याज का पेस्ट। अब यहाँ पर एक कुछ खास मसाला डाला गया है जो है लाल मिर्ची से बना हुआ अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, इसमें डाला गया है शाहजीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री इसमें पीसा गया है, और साथ में अब डाल दिया गया है इसमें गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। और जैसे ही ये अच्छे तरीके से भुन गया तो इसमें डाल दिया गया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और साथ में यहाँ पर डाला गया है टमाटर, और इसमें डाला गया था हल्दी पाउडर, साथ में डाला गया था ये देखिए राजेश का सब्जी मसाला लगभग 100 ग्राम के जितना। बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट ये बना रही थी, तो बस मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा शूट कर लेती, तो बस मैंने सोचा चलो शूट कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि शादियों में कैसे बनता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्वाद के अनुसार उन्होंने नमक डाल दिया है और मसालों को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने भुना है। तो जब तक आपको मसाला को भुनना, जब तक कि इसमें से अच्छे से तेल जो है सेपरेट ना होने लगे। यहाँ पर दूसरी ओर ये देखिए तेल कढ़ाई में चढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है उड़द दाल की बड़ियाँ, लगभग यहाँ पर आधा किलो के जितना यहाँ पर बड़ी को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी को ये देखिए अच्छी तरीके से पहले फ्राई किया जाएगा, तब ये फिर मसाले में जाएगा। तो ये देखिए मसालों में ये बड़ी अब जाने लगी है, अब बड़ियों के साथ में मसालों को थोड़ा सा और भुना जाएगा। दोस्तों अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिनों से दोस्तों कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे मौका लगा तो मैंने कहा चलो एक वीडियो मिल गई है शूट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी अच्छे तरीके से मसाला वाला खौल चुका है ना, पक चुका है, तो यहाँ पर अब इसमें दाल को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर दाल को पहले से ही हल्दी, नमक और काली मिर्च, जीरा ये सारी चीज़ों को डाल करके बॉयल कर लिया गया था, दाल को यहाँ पर डाल दिया है गया है। इस तरीके से अगर दाल बनाते हैं ना तो जल्दी पक जाता है। साथ में डाल दिया गया है हरी धनिया, अब इसे अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे 10 से 15 मिनट तक, इसे धीमी आंच पे अच्छे से बॉयल करेंगे, उसके बाद जाके ये दाल हमारी जो है तैयार होगा। अगर इस तरीके से दाल बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और बहुत सारे क्वांटिटी में अगर बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार होता है। दाल को लगातार आपको चलाते रहना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और कितने अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ गया है, दाल अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब दाल की थिकनेस को देख सकते हैं, दाल अच्छे से बन करके तैयार हो गया है, सर्व करने के लिए दाल अब तैयार है, देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनकर तैयार होता है। तो आप लोग भी ट्राई करें और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।